करावल नगर में आपने विधायक मोहन सिंह विष्ट के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा विधायकों ने नालों की नहीं कराई सफाई। दिल्ली सरकार के दिए हुए 7 करोड़ का हिसाब दो। घरों में गंदे पानी से लोग परेशान। फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर फंसाते थे। 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बेरोजगार को बनाते थे निशाना। विश्वास नगर में बदहाल बस स्टैंड से लोग परेशान। हादसा बने होने का है खतरा। पहले बस इस सड़क पर चलती थी, अब नहीं चलती है बस। जनता ने कहा प्रशासन इस पर स्टैंड को हटा दे। नंदनगरी मजिस्ट्रेट कार्यालय में खुला आउटलेट। कम दामों में लोगों को मिलेगा अच्छा खाना। मंडोली जेल के कैदियों द्वारा की गई मदद। और सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में दिखी भीड़। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। मंदिरों में कोरोना नियमों का किया जा रहा है पालन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के करावल नगर में आप कार्यकर्ताओं ने विधायक मोहन सिंह विष्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विधायक पर दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए 7 करोड़ रुपए हिसाब देने की बात कही। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि इलाके में नालों की सफाई नहीं हुई है। इलाकों में गंदा पानी आ रहा है जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। विधायक लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर देश भर में लोगों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पूर्वी जिले का साइबर सेल ने राजफाश किया है। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 8 महिलाएं शामिल हैं। गिरोह के सरगनाओं की पहचान यूपी के रहने वाले जौनपुर के सुंदरम और फिरोजाबाद के सुरजीत के रूप में हुई। पुलिस ने इनके पास से 26,000 रुपये, 16 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 6 कंप्यूटर, 2 वाईफाई राउटर बरामद किए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच भी कर रही है। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर के 60 फुटा रोड पर बने बस स्टैंड बदहाल अवस्था में है। बस स्टैंड टूटा पड़ा है जिसकी वजह से हादसा होने का खतरा बना रहता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले बस इस सड़क पर चला करती थी, अब बस नहीं चलती है। जनता का कहना है कि इस बस स्टैंड का कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को इस बस स्टैंड को हटा देना चाहिए। जी रोड खराब तो ही रखा है, देखो आप खुद ही पूरा बिल्कुल है जी। यहाँ पे सुबह शाम तक खेलते रहते हैं ताश वगैरह, इसकी भी सुनवाई करवाई जानी चाहिए। बिल्कुल आप इसकी हालत देखो, पूरा टूटा पड़ा है, लोग बैठे हैं, मतलब ऐसे ऐसी जगह पे ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। और जब इसका यूज नहीं है तो बिल्कुल सरकार को देखना चाहिए, रिजल्ट हटवाना चाहिए। तो इसका इसका मतलब क्या है यहाँ पे? जब रूट नहीं है तो इसको पहले ही हटवा देना चाहिए, जगह खाली करवानी चाहिए। अब जैसे लोग बैठे हैं, ऑटो वाले बैठे हैं, स्टैंड बैठा है, लगे हुए हैं, लोग पत्ते खेल रहे हैं, तो यहाँ से लोग निकलने वाले उनको दिक्कत आती है। बस तो पहले चलती थी, अब ये 10 साल से बस चल नहीं रही यहाँ पर। रात को यहाँ पे सब ऑटो वाले सब दिन में तो ऑटो वाले सब बैठे रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, जुआ जुआ चलता रहता है। उत्तर पूर्वी जिला स्थित नंदनगरी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में 2 मजिस्ट्रेट कार्यालय हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी जिला के साथ शाहदरा जिला भी शामिल है। इसमें दूर दूर से लोग अपने काम कराने आते हैं और जैसे ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, अन्य प्रकार की सभी सुविधाओं के लिए ये पूरे क्षेत्र से लोग आते हैं और काम के चक्कर में भूखे प्यासे यहीं रहते। कई बार बाहर जाने से उनका नंबर निकल ना जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए आज उत्तर पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट गीतिका शर्मा और तिहाड़ जेल ने मिलकर एक पहल की है जो कि पूरी दिल्ली में अभी तक नहीं हुई है। तिहाड़ जेल के सौजन्य से डीएम कार्यालय में तिहाड़ जेल आउटलेट का शुभारंभ किया गया, जिसमें आप मामूली से रेट पर अपनी जरूरत से संबंधित चीजें ले पाएंगे, जैसे ब्रेड, समोसा, बिस्किट, चाय, तेल, नमकीन, अन्य प्रकार की सुविधा से संबंधित चीज़ों को भी सिर्फ नॉर्मल रेट पर और स्वच्छता और शुद्धता के साथ ले सकते हैं। तो हमने ये ज़रूरत महसूस करी और हमने DIG प्रिजन्स मंडोली जेल को अप्रोच किया, उनसे निवेदन किया कि वो यहाँ पर एक अपना TJ's आउटलेट खोलें। और मैं बहुत आभारी हूँ DIG प्रिजन्स राजेश चोपड़ा जी की कि आपने बहुत सक्रिय रूप से हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में आपने ये आउटलेट यहाँ पर खोल दिया। देखिए, दिस इज़ अ वेरी वेलकम डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट बट इट्स अ
I would say example for the rest of Delhi to emulate. And as ma'am and sir has already said that it's a way forward for rehabilitation and reintegration of the inmates of Tihar into the society when they come back. And that apart, it sends a very positive message about the jail authorities, the kind of work that they are doing. बहुत बढ़िया initiative है government द्वारा, जो public को सस्ते में quality सामान मिलेगा यहाँ से, और जो हमारे जेल में कैदी हैं उनके द्वारा बनाया सामान है जिसका कुछ कंट्रीब्यूशन उनको भी जाता है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तिहार की, जो टीजे ब्रांड है इसके आउटलेट डिफरेंट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस और हमारे जेल परिसर में, जैसे तिहार जेल में है, लेकिन क्योंकि ऐसे किसी डीएम ऑफिस में जाते मेरी जानकारी है इस तरीके का आउटलेट अभी तक नहीं है। ये पहली बार मुझे बताया गया है कि इस तरीके का आउटलेट इन कोऑर्डिनेशन विद हमने डीएम ऑफिस के साथ एक खुला हुआ है। बेसिक अगर इसको देखें तो ये एक मुहिम है रिहैबिलिटेशन की। हमारे इस आउटलेट के अंदर इस समय दो ऐसे कैदी जो अपनी सज़ा पूरी करके सोसाइटी में जा चुके हैं उनको यहाँ पे काम पे लगाया गया है कि उनका एक रिहैबिलिटेशन की जगह जो है बनी है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स हमारे अंदर जितने बंदी भाई हैं वो लोग बना रहे हैं, उनको एक तरीके से अंदर काम भी मिल रहा है, सीखने को भी मिल रहा है, एक सोसाइटी के साथ में जुड़ने का नज़रिया और तरीका मिल रहा है। इसके लिए तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव मानूंगा और मैं बहुत खुश हूं कि इस तरह के जो आउटलेट खोला गया है, ये वो जो कैदी लोग हैं उनको एक समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, जब वो भी जब भी जेल से छूटेंगे, एक बहुत बड़ा उनके लिए सपोर्ट सिस्टम होगा ये कि उन्होंने जो भी यहाँ पे सीखा है वो उसकी वजह से कहीं पे भी अपना रोजगार तलाश कर सकते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना, इस महीने में बाबा का अभिषेक किया जाता है, भोलेनाथ को मनाया जाता है, पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाती है। बारी बारी से भोलेनाथ की पूजा आज पूर्व दिल्ली के मंदिरों में की जा रही है। कहते हैं कि भोलेनाथ की पूजा करने से तमाम मनोरथ सिद्ध होते हैं। श्रावण मास आरंभ हो चुका है और देखिए आज सावन का पहला सोमवार है। सोमवार के व्रत रखना, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करना, ये हमारा धर्म है। ये सोच करके नहीं कि हम व्रत रखेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे तो हमें बहुत धन मिलेगा या हमारे ये सारे काम बनेंगे, वो सोच के नहीं। ये सोच के रखिए कि ये हमारा धर्म है, हमें ये व्रत रखने हैं। अगर आप सावन के इस बारी इस सावन में चार सोमवार पढ़ रहे हैं, आज पहला सोमवार है, तो अगर ये चारों सोमवार के व्रत आप रख लेते हैं तो आपको 16 सोमवार व्रत रखने का फल मिलता है। उसके अतिरिक्त अगर आप ये चारों सोमवार के व्रत रखते हैं तो आपको चारों धाम जाने की जो यात्रा होती है उसका पूरा फल आपको मिलता है। और इसकी जो विधि होती है, सुबह आप जल्दी उठें, 8-9 बजे नहीं उठना आपने, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये नहीं कि सूर्य देवता आकर के दरवाज़ा खटखटाएंगे तभी आप उठोगे, ऐसा नहीं करना है। सूर्य उदय होने से पहले कोशिश करें आप उठने की, और उसके बाद में आप नहा धो करके सीधे मंदिर में जाएं। घर पे पूजा करना अलग होता है, अगर आप मंदिर में जा करके पूजा करते हैं तो वहाँ स्थिरता आती है। आप घर में पूजा कर रहे हैं आपका दिमाग 10 जगह होता है। सावन में जरूर जाना, पूरे महीने आपने भगवान शिव जी को जल चढ़ाना है, उनको मत्था टेकना है, चरणामृत और प्रसाद लेकर के आना है, आपके यहाँ अपने आप ही इतनी खुशियाँ आ जाएंगी, भगवान से कुछ नहीं छिपा भाई। कोरोना की थर्ड वेव का खतरा अभी भी बरकरार है। दिल्ली में मेट्रो और बसों को भी पूरी क्षमता के साथ खोल दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। अनलॉक करना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बिना मतलब के घर के बाहर ना निकलें, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर अपनाएं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर कुमार गांधी और डॉक्टर नीलू गांधी, आप भी सुनिए। तभी अनलॉक किया जाए, अब ये हमारे हाथ में है, जनता के हाथ में है और सब समझदार व्यक्तियों के हाथ में है कि ये जब अनलॉक हो रहा है तो हम वो चीज़ों का ध्यान रखें जो पिछले 1.5 साल से हमें समझाई जा रही है। सबसे ज़रूरी सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अब सारी चीज़ें खुलती जा रही है। दूसरा आता है सेल्फ सैनिटाइजेशन, अपने आप को इतना सैनिटाइज रखो कि आप दूसरे को इन्फेक्ट ना कर सकें। थर्ड वेव उसका भय कम से कम रहे, फिर से सरकार को प्रशासन को किसी वजह से लॉकडाउन ना करना पड़े, ये हमारे हाथ में रहेगा। एक और चीज़ मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया है
वो ये ना समझे कि जी हम तो सुरक्षित हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद में प्रॉब्लम नहीं है, उनको खुद को प्रॉब्लम नहीं होगी, बट दे कैन बी अ कैरियर, वो किसी और को इन्फेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि वैक्सीनेशन वाले लोगों को भी उतनी ही सावधानी रखनी है, उतनी ही अपनी एहतियात बरतनी है जितने के नॉन वैक्सीनेटेड लोग कर रहे हैं। मॉल्स खुल चुके हैं, मार्केट्स खुल चुके हैं, खाने के ईटिंग पॉइंट्स, जॉइंट्स सब खुल चुके हैं, यहाँ तक कि ठेले वाला भी खुल चुका है। ये मौसम नहीं है, ये समय नहीं है कि हम बेफालतू में इधर उधर घूम रहे हैं, मॉल की शोभा देखते हुए घूम रहे हैं, क्या कहते हैं, विंडो शॉपिंग करते हुए घूम रहे हैं, ठेले पे चाट पापड़ी खाते घूम रहे हैं। नहीं, एक तो कोविड का डर, और कोविड के अलावा ये मत भूलिए कि बरसात का मौसम है, डेंगू भी आएगा बरसात के मौसम पे, डायरिया, टाइफाइड ये भी आएगा। सिर्फ एक कोविड ही नहीं है, बाकी और भी चीज़ें आएंगी। हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी शिद्दत से 100% फॉलो करते हैं, कोरोना का नामो निशान ही गायब हो जाएगा, क्योंकि ना फैलेगा ना बढ़ेगा। थर्ड वेव को हम बिल्कुल रोक सकते हैं, और अगर आएगी भी तो बहुत माइल्ड आके रह जाएगी, यदि हम ढंग से एक जिम्मेदार बिहेवियर फॉलो करें। कोर्ट परिसर में 5 मंजिला नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया। बिल्डिंग के अंदर और बाहर छोटा मोटा काम बचा है। अधिकारियों ने बताया कि बहुत जल्द बिल्डिंग को संबंधित विभाग को हैंडओवर किया जाएगा। कड़कड़ूमा कोर्ट में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जजों से लेकर वकीलों को बैठने की जगह तक नहीं है। कड़कड़ूमा कोर्ट में एक नई 5 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। कोर्ट में बढ़ रहे वकीलों के और जजेस के चैम्बर की समस्या को देखते हुए इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इस बिल्डिंग में 30 हजारी की सिविल कोर्ट और कड़कड़ूमा की चालान कोर्ट को शिफ्ट करने का प्लान किया गया है। ये बिल्डिंग एक नई तकनीक के द्वारा बनाई गई है, जिसमें कि पूरे ढांचे को लोहे से बनाया गया है और उसको इस प्रकार से ढक दिया गया है कि वो लोहे का ढांचा अब नज़र ही नहीं आता है। इस बिल्डिंग के देरी हो जाने का कारण अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि देश में लगे लॉकडाउन था। अब इस बिल्डिंग का फिलहाल जो है चार्ज PWD के अंडर है, और उसके बाद ये कड़कड़ूमा की केटिंग ब्रांच को हैंडओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे की प्लानिंग पर विचार किया जाएगा, और यह एक अच्छा कदम है जो वकीलों की समस्याओं को दूर करेगा और जजेस के लिए भी स्पेस बढ़ेगा, जिससे कि काम पे और काफी चीजों पर बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। दिल्ली में आज से 100% क्षमता के साथ मेट्रो और बसें चल रही हैं, जिस पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि कोरोना को देखते हुए हम सभी को एहतियात बरतने हैं। कम कैपेसिटी से बस और मेट्रो चलने से लोगों को परेशानी होती है, घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, जिससे ऑफिस जाने में लेट हो जाते थे, अब काफ़ी आराम है। उसका डिस्टेंसिंग और मास्क का अरेंजमेंट जो है आदमी को खुद करना पड़ेगा, और अपनी जान उसको खुद ही बचानी पड़ेगी। थोड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, क्योंकि जितना लोड मेट्रो पे था उतना है नहीं है, पर यह है कि जो देश के साथ चलना पड़ेगा, बीमारी ऐसी, हमें सबको मिलजुल के चलना पड़ेगा। इससे बहुत राहत मिल रही है। ऐसा है जो जिनको एक एक घंटे का सफ़र बाइकों से तय करना पड़ता है, स्कूटरों से, उनको 15 से 20 मिनट के अंदर अपने काम से, अपने ऑफिस दफ्तर सब पहुंच जाते हैं। तो इससे हमें बहुत कई प्रदूषण भी नियंत्रण हो रहा है, और कई प्रकार से हमें बहुत राहत मिल रही है। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, पब्लिक को थोड़ी सी पहले से रिलीफ भी मिली है। थोड़ी जो सीटें की दिक्कत, लोगों को दिक्कत हो रही कि भाई सारे भीड़ रह जाते थे, लोग जा रहे थे, गाड़ियां जा रही थी, लोगों को जाने के लिए कोई उपाय नहीं हो पाता था। इस वजह से अब थोड़ा सीटिंग फुल हो गई है, तो थोड़ी राहत मिल गई है पब्लिक को। हाँ हाँ, लेट हो जाती है, अक्सर गाड़ी छूटती थी, अब भाई 5-10 गाड़ियाँ जा रही है, उसके बाद हमारी नंबर आती थी, हम खड़े होते थे लाइन में या भीड़ में, हमारी सीट ही नहीं मिल पाती थी हमें। बहुत बढ़िया है ये, पहले 20 सवारी चक्कर में बिठाते नहीं थे बस वाले, और अपना भागम भाग चलते रहते थे, बस एक सवारी फालतू हो जाएगी, किसी का रिश्तेदार साथ में है तो दोनों सवारी रह जाती थी, बच्चे साथ में तो हो रहे थे। अब 50 सवारी, कम से कम 40 सवारी जाएंगी तो काफ़ी फायदा रहेगा। हम ऑटो वाले जो है धांधली में जाते थे इस चक्कर में, तो ये बढ़िया किया सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। नहीं, अब नहीं टाइम लग रहा, अब तो सवारी पूरी जाएंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। मगर पहले तो ज़्यादा ही परेशानी थी, मान लीजिए आप भी जो सीट मिल रहा है सवारी, तो पब्लिक के लिए कुछ सुविधा तो बनी गई, कुछ जाने वाले आने वाले के ड्यूटी करने वाले कुछ सुविधा मिल चुके हैं। बहुत इंसान का ऐसे है जो ड्यूटी छूट गए इसका कारण, रोजी रोटी छूट गए, मगर आप कुछ हेल्पर पर आए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।